पंखे की दुनिया में एक चील होता है जो हमेशा के लिए आक्रमण के मूड में ही रहता है, और एक कबूतर रहता है जो हमेशा के लिए खुद की सुरक्षा के लिए ही पूरी जीवन सचेत रहता है। मगर दुनिया की व्यवस्था में दुनिया भर के कोई भी बजट, कोई भी गवर्नमेंट का बजट, उसमें सबसे ज़्यादा खर्च डिफेंस बजट में होता है। डर उनको वो होता है कि आजू बाजू वाले कभी भी अपने देश पर आक्रमण कर ले तो हम अपनी सुरक्षा तो कर ही ले। हिंदुस्तान का अब तक का इतिहास कभी आक्रमण का नहीं रहा, हमेशा संरक्षण का रहा। देश की बात छोड़ो, मगर 2600 साल से लेकर के भगवान महावीर से लेकर अभी तक जैन धर्म का इतिहास देखो, कभी आक्रमण का वो इतिहास नहीं रहा, हमेशा संरक्षण का इतिहास ही रहा, और वो भी करीबन अहिंसा के तौर से। हमारे पास शासन प्रभावना भी है, व्यक्तिगत आराधना भी है, और एक हमारे पास शासन रक्षा भी है जिनको हम डिफेंस बजट कहते हैं। गत रविवार को पालीताना में जो हुआ, 15,000 से 20,000 से 25,000 लोग, ज्यादातर यूथ, उनका जो हौसला था वो किसी पर आक्रमण का नहीं था, मगर तीर्थ पर हुए आक्रमण को कैसे कैंसिल कर दो, हमारा सुरक्षा कैसी बनी रहे, उनके लिए एक आवाज थी। हमारे वहां दो प्रकार के तीर्थ है, स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ, चलते फिरते मुनिवर जंगम तीर्थ है, और रानकपुर, देलवाड़ा, सेरीसा, पानसर, भोईनी, गिरनार, शत्रुंजय सब स्थावर तीर्थ है। स्थावर तीर्थ में भी यदि टॉप रैंक यदि किसी को मिलती है वो शत्रुंजय तीर्थ को मिलती है, जिनकी प्रशंसा खुद महाविद्य क्षेत्र में ऐसे मंदिर स्वामी खुद करते हैं। ऐसे तीर्थ पर कोई छोटे अल्पमति वाले ने क्या मन साधी उनका पता नहीं है, मगर उसने आक्रमण कर दिया। व्यक्तिगत तौर पर जिसने भी देखा वो दुखी दुखी हो गया, शायद अपने कमरे में जाकर के उसने आंसू बहाए, भगवान मेरी उपस्थिति में मैं क्या देख रहा हूं। मगर उनको लगा अकेले आंसू से तीर्थ की रक्षा नहीं होगी, तो दूसरा स्टेप पसंद किया आक्रोश का, और आक्रोश भी संगठन में होता है। व्यक्तिगत आक्रोश नपुंसक बन सकता है, समष्टिगत आक्रोश एक समाज में मैसेज जाता है कि कुछ अनिष्ट हुआ है, हमने वो शस्त्र नहीं उठाए, रक्षा के लिए भी हमने शस्त्र नहीं उठाए, हमने सिर्फ रैली निकाली। शब्द थोड़े कठोर, कर्कश, गर्म थे, मगर इनके पीछे हमारी बात थी, तीर्थ की रक्षा किसी भी हिसाब से होनी चाहिए। जैन दर्शन निश्चित तौर से शिवमस्तु सर्व जगत, ये हमारी टैगलाइन है, सारे जगत के जीवों का कल्याण हो। एक दूसरी भी टैगलाइन है, मित्ती में सुबह सो, सारे जगत के जीवों के साथ मेरे मित्री हो। एक तीसरी भी इससे ज्यादा है, खामी में सुबह जीवे, सभी जीवों के साथ मैं क्षमापना कर देता हूँ। ये मैत्री, प्रेम और क्षमापना, इनके बैकग्राउंड में प्रेम है। मगर प्रेम का अर्थ ये तो नहीं ना आप इनको दबाओ, किसी को गले लगाना वो प्रेम है, मगर किसी को गला दबा देना वो प्रेम नहीं है। हम गले लगाने के मूड में पूरा जैन शासन, अपराधीशों पर नवी चिंतव्य प्रतिकूल, ये जैन शासन के सम्यक दर्शन का लक्षण है। गलत करने वाले के प्रति भी हम मन में कोई सोचते नहीं कि इनका भी खत्म हो जाए, भगवान इनका गलत हो जाए, मगर किसी के घर में आक्रमण करने की तो बात हमने कभी की नहीं, पूरी व्यक्तिगत तौर पर नहीं, जैन शासन ने तो कभी नहीं की, मगर खुद के घर पर आक्रमण हुआ। मैं घर में शांति से बैठा हूँ, अपना पूजा पाठ करता हूँ, और मेरे घर में आक्रमण करने वाला यदि आ जाता है, मुझे हिंसक मानने के बाद
ये तो क्षमा कर देगा, ये तो कल्याण की कामना करता है, मैत्री करता है सबके साथ। तो उनको गलत फहमी दूर करने के लिए मैक्सिमम युवा वर्ग थे इसमें कि जिसने जलत भाषा में मैसेज दे दिया है कि तीर्थ हमारा है, पूरी दुनिया का है, और तीर्थ की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आक्रमण नहीं करना चाहते मगर खुद की रक्षा तो हम करना चाहते ही हैं। तो तीन स्टेप है, आंसू से काम नहीं होता है, आक्रोश आ जाता है। और जवान का आक्रोश भी, जब ऐसा लगता है कि अकेला जवान का आक्रोश भी कमजोर पड़ रहा है, तो कभी मैं भी पॉसिबल आक्रमण भी हो सकता है, कोई करना नहीं चाहता है। एक हिरणी भी, यदि शेरनी कोई अपने बेटे पर आक्रमण बन जाए तो तमाम ताकत से हिरणी भी शेरनी का मुकाबला करके अपने बच्चों को बचा लेती है। तीर्थ तारे, वो तीर्थ हजारों लोगों के लिए आलम्बन बन सकता है। जैसे सागर में रही मछली तब तक जीवंत है जब तक पानी जीवंत है, पानी खत्म होने के बाद मछली को बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारे लिए आधार शुभ भाव के लिए, शुभ व्यवसाय के लिए, शुभ आलम्बन के लिए, हमारे दानशील तप भाव को प्रेरित करने वाला ये तीर्थ, और इन पर यदि कोई आक्रमण बिना फोगट बिना कारण शांति से बैठे, आदमी की एक बेकार आदमी की आदत होती है शांति से बैठे हुए कुत्ते को भी लकड़ी मार के निकल जाते, भाई क्या बिगाड़ा है। एक पेड़ है, पेड़ पे डाली लगाता है, डांडी लगा के फल गिरा देता है, क्या पेड़ ने अपराध किया। हम लाकड़ी लेने के मूड में नहीं है मगर हम पर यदि कोई लाकड़ी उठा के मारने का प्रयास करेंगे, हमारी सुरक्षा में कैसे करनी, वो सब आता है। हम अल्टीमेटम तो किसको देना नहीं चाहते मगर हमारी आक्रोश की भाषा अल्टीमेटम का ही दूसरा स्वरूप समझ लेना। जिन जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को हम इतना मैसेज देना चाहते, प्लीज आगे ये जोखिम मत उठाओ, रुक जाओ। और आखिर तो राजसत्ता की भी जिम्मेदारी होती है, राजसत्ता के गुण लिखे हैं, उसमें से एक गुण है दुष्ट से दंड, सुजन से सेवा। दुष्टों को दंडो, सज्जनों की सेवा हो। सज्जनों की सेवा नंबर दो पे, दुष्टों को दंड नंबर एक पे राजसत्ता की जिम्मेदारी है। पूरा विश्वास है जैन संघ को राज्य सत्ता पर, शासक की जिम्मेदारी बखूबी वो निभा भी रहे। फिर भी हम इनको याद कराना चाहते हैं कि पालीताना का आक्रोश एक बार आप देख लो, आपने देख नहीं लिया तो किसी से सुन लो, सुनने के बाद यदि देखने के बाद आपको ये लगे कि पूरा जी जैन संघ निश्चित तौर से काबिले दाद है, एक भी गलत फहमी नहीं हुई, न किसी का खून बहा, न किसी को किसी ने चोट लगाई, हमारा तो बहुत टूट गया है, पगलिए टूटे से ज्यादा तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था टूटी, हमारा दिल टूटा, हमारा आंसू गिर गया, आंसू रुकने का नाम नहीं लेता है। हम इतना ही कहना चाहते कि किसी भी हालत से ये आक्रोश आक्रमण में कन्वर्ट न हो। वो जिम्मेदारी जिन पर जवाब जिम्मेदारी है तीर्थ की रक्षा की, वो सृष्टि हो, वो सुश्रावक हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो कलेक्टर हो, वो पुलिस हो, जो वहाँ रहने वाले लोग हो, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, हृदय की व्यथा से, वेदना से चेहरे पे मुस्कान लानी पड़ती है। हम सब व्यथित है, हमारी व्यथा को दूर करो, और जिन जिन लोगों ने काम किया है उनको एक स्ट्रांग सूचना चली जाए कि आने वाले दिन। एक बात बताना चाहता हूँ, पहली गलती गलती हो सकती है, दूसरी गलती डिसीजन होता है, नॉट गलती। पहली मिस्टेक को मिस्टेक मान सकते हैं कि मालूम नहीं था हो गई, मगर वही मिस्टेक जब दूसरी बार होती है ना तब वो मिस्टेक नहीं रहती, वो डिसीजन होता है। एक बार हो गया मे बी पॉसिबल, बेमन से भी हम मानेंगे कि मे बी पॉसिबल ये मिस्टेक थी, मगर यदि दोबारा इनका रिपीटेशन हुआ हम निश्चित तौर से मानेंगे ये मिस्टेक नहीं थी, ये तीर्थ को डैमेज करने का डिसीजन था। तो मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट किसी की मिस्टेक कोई भले माफ कर दे मगर वो डिसीजन किसका दोबारा न बने, वो जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट को निश्चित तौर से लेनी ही पड़ेगी। आज मैं जो युवा भाई बहन आपने जो आक्रोश दिखाया
उन सबको मैं नतमस्तक हूँ। तीर्थ रक्षा का आपका प्यार, समय का बलिदान, संपत्ति का बलिदान, शक्ति का बलिदान, वही अपना डिफेंस बजट है। अमेरिका, जर्मन, जापान, लंदन, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, हर जगह से मेरे में मैसेज आ रहे हैं कि इस तीर्थ की रक्षा के लिए कभी भी हमारा कुछ भी काम पड़े आप तुरंत बुला लो। मैंने सबको रोका है, अभी कुछ काम नहीं। हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे अच्छे श्रावक हैं और अच्छा सुशासन है कि हर धर्म में किसी के धर्म के प्रति आक्रमण होता है तो सुशासन या आक्रमणकारी को नसीहत दे करके उनको दूर करता है। यदि सभी धर्मों के धर्म स्थानों को बचाने की जिम्मेदारी बखूबी गवर्नमेंट निभाती है तो हम गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं, शत्रुंजय तीर्थ महावीर क्षेत्र में श्री श्री मंदिर स्वामी जिनकी तारीफ करते रुकते नहीं है, वो शत्रुंजय तीर्थ जैनों का है, पवित्र स्थान है, आस्था स्थान है, श्रद्धा का केंद्र है। इनको किसी हिसाब से सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम सब की ओर से आपको आशीर्वाद भी है, शुभकामना भी है और आप समझो तो कठोर शब्द में मैसेज भी है, इस तीर्थ की रक्षा कर दो और तीर्थ को सुरक्षित करके पूरे श्री जैन संघ के सभी सदस्यों को प्रसन्न प्रसन्न कर दो, यही मेरी ओर से। और एक दूसरी बात करूं, आक्रोश करने वालों को कहूं हमारा काम हो गया। मैं 4 साल दिल्ली लेके आया हूं, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, अडवाणी, सुषमा स्वराज सभी के साथ बैठने के बाद वहाँ कैसी व्यवस्था है, अपनी बात किस ढंग से किसी तक पहुँचानी हो सब सीख के आया हूँ। मैंने भी 2 दिन से जिन जिन लोगों के सर पे ये जिम्मेदारी है उन लोगों से पर्सनल कॉन्टेक्ट की करके ये सब बात बता दिए। उन सब की ओर से भी मुझे अच्छा आश्वासन मिला है कि गुरुदेव आप निश्चिंत रहो, हम हर संभव तीर्थ रक्षा करके ही रहेंगे। मैंने उनको भी कहा है अब आगे चलो, हमारा अंतकरण का आशीर्वाद है। मेरी ओर से फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, गलती होगी हम प्रतिक्रमण करेंगे, सामूहिक गलती होगी हम संरक्षण करेंगे और आक्रमण करने का प्रसंग आवे ही नहीं, ऐसी हमारी सुरक्षा हो जाए। वही प्रभु से प्रार्थना, गुरुदेव से गुरुदेव की कृपा की याचना और शासकों को सद्बुद्धि भी दे और सक्रियता भी दे, यही शुभकामना।